राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से की गई बाड़ेबंदी में कांग्रेस विधायकों को होटल शिवलास रास नहीं आई। इसके चलते विधायकों को दिल्ली रोड पर ही होटल जेडब्ल्यू मैरियट में शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग के साथ ही विधायकों की बाड़ेबंदी भी नियमित हो गई है। लगभग सभी विधायक अपना सामान लेकर होटल मैरियट पहुंचे, जहां आगामी 19 जून तक सभी विधायक इसी होटल में रहने वाले हैं। विधायकों की शिफ्टिंग का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से शुरू की गई बाड़ेबंदी आज से नियमित रूप से शुरू हो गई है। आज से तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बाड़ेबंदी में रहेंगे। फिलहाल विधायकों के शिफ्टिंग का कार्य शुरू हो गया है। पहले शिवविलास में जिन विधायकों को ठहराया गया था, वहाँ कुछ व्यवस्थाओं की कमी थी, जिसके चलते अब पास में ही होटल मैरियट में इन विधायकों को रखा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विधायक वहाँ पर ठहरे हुए थे वो अब यहाँ पर लाया गया है, सामान उनका यहाँ पर लाया गया है। तमाम जो विधायक हों या मंत्री हों उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी जो विधायक हैं उनकी पूरी अटेंडेंस हो रही है। वो तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, निर्दलीय हैं, बसपा से जो कांग्रेस में आए वो विधायक पहुँच चुके हैं। तमाम जो विधायक हैं इनको 19 जून तक होटल मैरियट में ही रखा जाएगा। जो कांग्रेस के राज्यसभा से जो उम्मीदवार हैं केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी और प्रदेश नेतृत्व के जो भी नेता हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत प्रभारी जो अविनाश पांडे हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। तमाम विधायकों से कल भी वन टू वन बातचीत की, आज भी विधायकों से शाम को फिर बातचीत होगी। हालांकि जिस तरह का आरोप कांग्रेस लगा रही है उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि प्रलोभन किन विधायकों को दिया गया और किसकी ओर से दिया गया, इसका खुलासा होना वाला बाकी है। लेकिन 19 जून की तैयारी को लेकर मतदान के लिए कांग्रेस के इन विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है। तमाम विधायकों को एकजुट रखने के लिए अब होटल मैरियट में ही इनको रखा जाएगा। 19 जून तक राज्यसभा चुनाव की सियासत का केंद्र भी अब होटल मैरियट रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।